Hello everyone, let us start with the second topic of class 9, chapter 2, polynomials. Second topic के अंदर हमें क्या करना है, हमें zeros of the polynomial find करने है. Zeros का मतलब क्या होता है, what are zeros? Zeros का मतलब होता है when we find the value of x. इसको find करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी equation है, जैसे कि हमने एक polynomial, linear polynomial ले लिया, 2x is equal plus 4. अब ये एक linear polynomial है, हम इसको px के equal put करेंगे, 2x plus 4. और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम px को 0 से इक्वेट करेंगे. px की वैल्यू क्या है, px की वैल्यू है 2x plus 4 equals to 0. 2x is equals to minus 4 and x is equals to minus 4 upon 2. 2 से इसे कट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, minus 2. तो इस तरह से हमने इसमें x की वैल्यू निकाल ली. बट इक्वेशन अगर ये होगी तो फिर हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या मेथड यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं. हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर क्या होता है, हम x की वैल्यूज को एज्यूम करते हैं, हम पुट करते हैं x की वैल्यू को या तो 1 या 0 या 2 या 3, जो भी मतलब हम इसमें एज्यूम करते हैं, जिससे कि हमारे px की वैल्यू कितनी आ जाए, हमारे px की वैल्यू आनी चाहिए 0. तो इस तरह से हम इसके अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर भी इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं. अब एक इक्वेशन है हमारे पास, ये px इज इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. अब हमें इसके अंदर क्या करना है, हम x की वैल्यू को 1 पुट करके देखते हैं. पुट x इज इक्वल्स टू 1, देन p1 इज इक्वल्स टू 4 1 का क्यूब प्लस 6 1 का स्क्वायर माइनस 7 इनटू 1 प्लस 1. 4 इनटू 1 प्लस 6 इनटू 1, क्योंकि 1 का क्यूब हो या 1 का स्क्वायर हो, कुछ भी हो, आंसर क्या रहेगा हमारे पास, 1 ही रहेगा. 4 प्लस 6 माइनस 7 प्लस 1, दोनों की आगे प्लस का साइन है, 4 प्लस 6 प्लस 1 11 आंसर आया एंड माइनस 7 व्हाट वी गेट 3. क्या px की वैल्यू 0 के इक्वल आई, नहीं. तो इसका मतलब जो हमने x इज इक्वल्स टू 1 माना था वो इसका 0 नहीं है, तो हमने वैल्यू पुट करके देखी वो नहीं आया, तो ये इसका जीरो नहीं है. तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं, हम इसमें 2 भी रख सकते हैं, हम इसमें 3 भी रख सकते हैं, बट 1 रख कर तो नहीं आया, तो इसका मतलब 1 इसका जीरो नहीं है. ऐसे आप लोग अदर वैल्यूज भी पुट करके देख सकते हैं कि आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. इसी तरह से इस एक्सरसाइज के अंदर बस इतना ही है कि हमें जीरोस को फाइंड आउट करना है. अब पहले एक्सरसाइज की सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट. आपको एक बार x की वैल्यू 0 पुट करनी है, एक बार x की वैल्यू माइनस 1 पुट करनी है, एक बार x की वैल्यू 2 पुट करनी है. मैं आपको एक करके बताती हूँ कैसे होगा. हमारे पास px क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. हम सेकंड वाला पोर्शन ले लेते हैं जिसमें हमें बोला है x की वैल्यू माइनस 1 पुट करनी है. p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3. 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, 4 इंटू 1, जब माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 5, 4 इंटू 1 माइनस 4 प्लस 3. माइनस माइनस में हम प्लस कर देंगे, 4 प्लस 5 9 होता है एंड साइन नेगेटिव रहेगा, प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 गया 6 आएगा एंड बड़ा 9 है तो इसके आगे माइनस 6 आएगा. तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 पुट करी तो हमारे को px 0 के इक्वल नहीं मिला. दैट मींस x इज इक्वल्स टू माइनस 1 इज नॉट अ 0 ऑफ द अबव इक्वेशन. ये इस इक्वेशन का एक रूट या एक 0 नहीं है. इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखो क्या करना है, फाइंड p0 p1 P2 for each of the following polynomials. अब इसके अंदर आपको ये नहीं सेटिस्फाई करना कि इसमें 0 है या नहीं है, आपको सिर्फ इसमें x की वैल्यू एक बार 1 जो भी होगा, y होगा, x होगा या t होगा या x होगा, एक बार 0 पुट करनी है, एक बार 1 पुट करनी है, एक बार 2 पुट करनी है, इस तरह से करना है. क्वेश्चन नंबर 3 में वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल
इंडिकेट अगेंस्ट देम। अब इसमें आपको चेक करना है, अगर पी एक्स की वैल्यू जीरो आ जाती है तो इसका मतलब जैसे एक्स की वैल्यू इन्होंने माइनस वन बाय थ्री रखी है, आप इसमें पुट करके देखो, अगर आंसर जीरो आता है तो यस इसका मतलब वो है, और अगर नहीं आता है तो नहीं। हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका भी। हमें क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर थ्री फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, वेयर एक्स इज इक्वल टू वन बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री, ये हमको चेक करना है। पुट पी माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस वन बाय थ्री प्लस वन, थ्री से थ्री कट हो गया, माइनस वन प्लस वन वॉट वी गेट जीरो। तो यहाँ पे हमको पी एक्स की वैल्यू जीरो मिल गई। दिस शोज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री इज अ जीरो ऑफ इक्वेशन थ्री एक्स प्लस वन, या तो हम इक्वेशन बोले या पॉलिनोमियल बोले, वो आप लिख सकते हैं कुछ भी। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको चेक करना है, आप देख सकते हैं इसके अंदर एट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके अंदर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, या आप सिंपल, जैसे कि ये सारी की सारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है तो आप सिंपल मेथड से भी यूज कर सकते हैं। हम इसका ये सेवेंथ वाला पार्ट कर लेते हैं जो थोड़ा सा मतलब अलग सा दिख रहा है। हियर पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, वेयर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड बोला गया है सी एंड डी आर रियल नंबर्स। पुट करके देखते हैं, सी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है तो हम पुट करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स की वैल्यू है सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, सी एक्स इज इक्वल टू, अब प्लस वाले को उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा माइनस डी, एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस डी अपॉन में सी, यही होगा इसका रूट। ओके क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट करके भी।